सो हाय एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभम कुशवाहा ब्लॉग्स में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेस्ट यूट्यूब थंबनेल एंड प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल को कैसे बनाते हैं। जैसे मनोज दे सर, स्पीडिंग ज्ञान वाले सर और यूट्यूब वाले बाबा सर, ये लोग कैसे बनाते हैं बेस्ट यूट्यूब थंबनेल। तो ना देर करते हुए अभी हम बताएंगे आप लोगों को बेस्ट एंड प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाना चाहिए और किस एप्लीकेशन से बनाना चाहिए। ठीक है, ना देर करते हुए, और मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन साइड में होगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आने के लिए आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से आप लोगों को बहुत बेनिफिट होता है, आप लोगों को भी ऐसी वीडियो ज़्यादातर आती रहती हैं लाइक करने से। ठीक है, ना देर करते हुए अभी हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर। अभी मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं ऑन। इधर साइड में आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोबाइल की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ना देर करते हुए अभी हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर। फिर यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कौन से एप्लीकेशन से हम लोग वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ से ले लेना है आप लोग पिक्सल लैब, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा एप्लीकेशन। ये एंड्रॉयड वालों के लिए है और आईफोन यूजर के लिए कैनवा ऐप होता है, ओनली कैनवा से आईफोन वाले बना सकते हैं। तो ना देर करते हुए अभी चलते हैं पिक्सल लैब पर, करते हैं क्लिक। पिक्सल लैब पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है ऊपर वाली साइड में। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को जाना है इमेजिंग साइज पर। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इमेजिंग साइज ये रहा, यहाँ से इमेजिंग साइज पर क्लिक करना है। फिर आप लोगों को यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करना है। ठीक है, कस्टम पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक कर देना है। यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ओके पे क्लिक कर देना है। जब ओके पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये न्यू टेक्स्ट हटा देना है। तो इसको हटाने के लिए आप लोगों को इसको दबा के रख देना, और बाद में यहाँ से जाकर जो ये डिलीट वाला ऑप्शन है यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको डिलीट कर दिया। और रही बात का, आप लोगों को फिर लेना है यहाँ से कलर, कलर चूज करना है कौन से कलर में बनाना है। तो आप लोगों को यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ से आप लोगों को कलर मिल जाएगा, यहाँ चले जाना। फिर इसके आगे और थोड़ा बढ़ना है, इधर यहाँ पर बुक वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को कलर मिल जाएगा। कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग कलर ले सकते हैं मनचाहे आपके पसंद। यहाँ से मैं रेड कलर को लेता हूँ, अभी यहाँ से रेड कलर पसंद कर लीजिएगा। रेड कलर ना पसंद हो आप ब्लैक ले लीजिएगा, और ब्लैक नहीं तो आप लोगों को अभी आप लोगों को यहाँ से यहाँ पर ग्रेडियंट लिखा है नीचे कलर के नीचे, यहाँ पर ग्रेडियंट क्लिक करना है। और आप लोगों को मन चाहें वो कलर ले सकते हैं, जैसे ये कलर हो चुके हैं, आप इनमें से कोई भी कलर पसंद कर सकते हैं। मैंने ये कलर ले लिया, ये इसको ले सकते हैं। ठीक है, इस कलर को लेने के बाद करते हैं क्लिक। और रही बात अगर इस कलर का, और भी आप लोगों को इसमें यहाँ से प्लस वाले आइकन पर जाना है, और यहाँ से आप लोग इस कलर को ऐसे इफ़ेक्ट जो मन चाहें तैसा कर सकते हैं इफ़ेक्ट को। ठीक है, ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोगों को कम ज़्यादा करना चाहते हो तो ओके पे क्लिक कर देना। इस तरह का हो चुका है। अब आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को अपना एक इमेजिंग फ़ोटो ले लेना है, जो इसमें आप लोगों को जिस पे फ़ोटो लगाना है उसे बैकग्राउंड को भी ले लेना। तो ना देर करते हुए अभी हम इस पर चलते हैं, और यहाँ पर ये प्लस वाले आइकन से मैं एक वो ले लेता हूँ जिस पर फ़ोटो टेक्सचर करूँगा। ठीक है, प्लस वाले आइकन क्लिक करने का फ्रॉम गैलरी पर। फ्रॉम गैलरी पे जाने के बाद फिर आप लोगों को एक यहाँ से टेक्सचर ले लेना है, पीछे उसके ऊपर फ़ोटो लगाएंगे। ठीक है, तो अभी हम आ चुके हैं अपनी गैलरी में, और यहाँ से मैंने ले लिया अभी टेक्सचर को। टेक्सचर को लेने के बाद अब करते हैं डन, और ये रहा टेक्सचर। इसको यहाँ से पकड़ के आप मनचाहें जितना कर सकते हैं, जितना मनचाहें आप लोग उतना ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको यहाँ पर यहीं पर छोड़ देते हैं, और आप लोगों को यहाँ पर ए वाले ऑप्शन पे आना है, इधर इस वाले ऑप्शन पे, और इधर थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ से आप लोगों को यहीं इसमें कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके और कलर चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने रेड कलर कर दिया है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को करना है डन, और आप लोगों को इस वाले को आप लोगों को लॉक कर देना है। यहाँ से जाना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है, लॉक हो जाएगा।
अब आप लोगों को इमेजिंग अपना फ़ोटो भी लगाना है इस पर, तो आप लोगों को फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना है और यहाँ से अंदर फ़ोटो को एक ले लेना है। मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ, ये PNG फ़ोटो। और PNG अगर बनाना ना आता हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, PNG बनाना सीख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम करते हैं राइट पे क्लिक, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। और इसको यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसे भी लॉक कर देते हैं। अब आप लोगों को यहाँ प्लस आइकन पे करना है क्लिक, ये रहा प्लस आइकन, इस पर क्लिक करने के बाद फिर आप लोगों को क्लिक करना है शॉपनेस पर। यहाँ पर शॉपनेस पर क्लिक करने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ से फिर इसको यही इस पर शॉपनेस क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। इसको लेना चाहते हैं तो इसका थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पर इसे रख देते हैं। और रही बात नीचे और भी कुछ फॉन्ट्स हैं, वो मैंने गैलरी में ऐड कर रखे हैं। फ्रॉम गैलरी पर जाना है और अपने गैलरी में सेव कर लेना है फॉन्ट को, जिस फॉन्ट को आप लगाना चाहते हैं इसमें। तो मैं कुछ फॉन्ट इसमें ऐड करके रखे हैं, वो फॉन्ट मैं लगाऊंगा और देख लीजिएगा अपने आप। ये एक फॉन्ट ये रहा, मैंने अभी एक फॉन्ट को इधर डाल दिया, ठीक है। अब इस फॉन्ट को नीचे करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस फॉन्ट पर क्लिक करना है, और इस फॉन्ट को ऐसे क्लिक करने के बाद आप लोगों फॉन्ट को क्लिक करने के बाद इसे नीचे लेके आ सकते हैं। इसको ऐसे दबा के रखना है आप लोगों को, फिर दबाने के बाद आप लोग इसको ऐसे दबा लीजिएगा और नीचे ले आइएगा। नीचे कर सकते हैं आप लोग, इसे नीचे करने के बाद ये नीचे आ जाएगा। बाद में नीचे करके दिखाई देते हैं आप लोगों को कैसे नीचे करते हैं। आप लोगों को इस पर करना है बुक वाले क्लिक, फिर आप लोगों यहाँ इसको दबा के रखना है, यहाँ से टिक कर देना है। टिक करने के बाद ठीक है, और इसको ले आते हैं नीचे। इतना करने के बाद आप लोगों यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब इन दोनों को लॉक करके रखते हैं क्योंकि हिले ना अपने साइज से, और इसको साइज ना हिलने के लिए आप लोगों को इसे क्या करना है, अनलॉक कर देना है। इसे अनलॉक करने के बाद आप लोगों को बुक वाले जाना है और यहाँ से इसको इसको नीचे लेके आ ही जाना है आप लोगों को। इसको करना है क्लिक और इसे नीचे की ओर लाने के लिए, ठीक है। नीचे ले आने के बाद और आप लोगों यहाँ पे लिख देना है, मैं अभी लिखूँगा आप लोग देखिएगा मेरे जैसा। अभी लिखते हैं यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे करना है आप लोगों क्लिक, यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करना है, और इसको टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद इस पर दो बार क्लिक करने कर ही देना है, फिर यहाँ पर लिखना है। अब मैं लिखता हूँ मेरे जैसा, मेरे जैसा YouTube थंबनेल, YouTube थंबनेल मेरे जैसा YouTube थंबनेल, यहाँ पे मैंने अभी लिख दिया है। और इस पर करते हैं कलर, इधर बुक वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद आप लोग ए वाले ऑप्शन पे आना है, फिर यहाँ पे आप लोगों कलर ले लेना है, कलर कलर क्लिक करना है, रेड कलर लेना है, रेड ले लेना है। मैंने अभी ले लिया रेड कलर। अब आप इसको मन चाहे इतना जूम कर सकते हैं, मैंने अभी जूम कर दिया है। और यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, फिर आप लोगों को जाना है इधर फॉन्ट पे, फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग फॉन्ट मन चाहे वो आप फॉन्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को इस पर शेडो लगाना है, कुछ स्टॉक पे जाना है, थोड़ा ब्लैक शेडो लगा देना है। मैंने अभी शेडो लगा दिया, एकदम VIP चमकने लगा। अभी इसको भी करते हैं लॉक। अब लिखते हैं, फिर जाते हैं टेक्स्ट पर, इस पर दो बार क्लिक करते हैं और लिखते हैं कैसे बनाएं।
ठीक है कैसे बनाएं, और यहाँ पर इसको लिखते हैं अभी येलो कलर में रखेंगे। ठीक, इसका कलर नहीं चेंज करेंगे, और कलर चेंज करना है तो आप लोगों को यहाँ से चला जाना है, आप लोगों को यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप लोग कलर ले लेना है। ठीक है, यहाँ से डन कर देना है, और आप लोगों को शेडो डालना है, शेडो के लिए आप लोगों को इधर कलर बना देना। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो क्लिक हो चुका, इसे भी लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद फिर आप लोगों को और यहाँ पर और लिख देना है प्रोफेशनल या बेस्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। ये क्या आ गया? बने मेरे आईफोन स्टोरी और यार स्टोरी।